युवराज सिंह ने भारत की जीत के बाद पत्नी को किया ट्रोल, ससुराल वालों पर कसा तंज, सरेआम ले लिए मजे। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया। इस शानदार जीत के बाद भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने टीम इंडिया को बधाई दी, लेकिन बधाई देते हुए उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर तंज कस दिया और सरेआम उनके मजे ले लिए। टीम इंडिया फाइनल में अब साउथ अफ्रीका से टकराएगी और दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेगी। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में इस टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा खिताबी भिड़ंत तय की। इसी के साथ भारत ने पिछले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों मिली हार का बदला ले लिया। टीम इंडिया की इस जीत के बाद भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों को ही ट्रोल कर दिया। भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले टीम इंडिया ने साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। इस फाइनल में भारत को जीत मिली थी और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया विजेता बनी थी। इसके बाद भारत ने धोनी की कप्तानी में ही साल 2014 में फाइनल खेला था, लेकिन श्रीलंका से हार गई थी। भारत ने जब इंग्लैंड को हरा फाइनल में जगह बनाई तो युवराज ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट कर भारतीय टीम की तारीफ की। इसी के साथ युवराज ने अपने ससुराल वालों पर तंज कसते हुए पत्नी हेजल कीस को भी ट्रोल कर दिया। युवराज ने पोस्ट करते हुए लिखा, शानदार खेले लड़को, गुड नाइट ससुराल वालों। यहाँ युवराज ने ससुराल वालों शब्द का उपयोग इंग्लैंड के लिए किया है, क्योंकि युवराज की पत्नी हेजल इंग्लैंड की रहने वाली है। इसी कारण उनके इस पोस्ट से उन्होंने पत्नी पर भी तंज कर दिया। हालांकि ये मजाक में किया था। इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट में मौजूदा विजेता के तौर पर उतरी थी। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यही बटलर की गलती साबित हुई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने 57 और सूर्य कुमार यादव ने 47 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड को महज 103 रनों पर ढेर कर दिया और फाइनल में कदम रखा।